नमस्ते, मैं श्रेयस बड़िए, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने मेरे YouTube चैनल पे हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, उसके साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री को ओवरऑल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और हमने हिस्ट्री का पूरा UPSC का सिलेबस हो गया या फिर स्टेट PSC का सिलेबस हो, हमने हर एक टॉपिक को यहाँ कवर कर लिया। तो अब मैं आपके साथ यही हिस्ट्री में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो उसी तरह आज जो एक टॉपिक है जो कि मिडिवल इंडिया से जाता है वो है द मराठा। जैसे कि आप लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे डिमांड की कि मराठा पे एक लेक्चर बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि मराठा ये लेक्चर आपके लिए एक मिसलेनियस लेक्चर करके आपके सामने लाया जाए। मराठा ये काफी एग्जाम्स में वैसे देखा गया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और कभी कभी ये इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये टॉपिक्स को, ये जो टॉपिक है द मराठा, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के, जिसका नाम है द मराठा। तो द मराठा है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं कभी भी। मराठा जो ये एक मराठा स्टेट होता है और एक मराठा कॉन्फिडेंस होता है। मराठा स्टेट जो होता है ये 1674 से 1720 तक रहा। मराठा स्टेट जो था ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बनाया था। उसके साथ साथ धीरे धीरे मराठा स्टेट ये मराठा कॉन्फेडरेसी बनने लगा जब पेशवा की पोस्ट आ जाती है। सो मराठा कॉन्फेडरेसी जो है ये 1720 से 1818 तक चला। जैसे कि हम देखते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर्स हमने जो कि स्टडी किए, वही एक तरह से हम कहेंगे कि एंड होने लगता है द मराठा का, यानी मराठा कॉन्फेडरेसी का जो एंड था वो एंग्लो मराठा वॉर्स के साथ होता है। सो चलिए मराठा स्टेट की शुरुआत करते हैं। 1674 से 1720 तक मराठा स्टेट रहा। मराठा स्टेट की अगर शुरुआत की भी बात बोले तो शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मराठा जो किंगडम है उसकी शुरुआत की। शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शिवाजी महाराज का जो बर्थ था वो शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। उनके जो फादर थे उनका नाम शाहजी महाराज भोसले था। शाहजी भोसले जो थे इनिशियली सर्व द निजाम, उन्होंने निजाम के आर्मी निजाम को सर्व किया था, और धीरे धीरे जो कि रूल करते थे अहमदनगर पे निजाम, उसके बाद लेटर ही ज्वाइंड हम कहेंगे तो बीजापुर, उन्होंने बाद में बीजापुर को ज्वाइन किया। और बीजापुर को ज्वाइन करने के बाद अब शाहजी भोसले जो थे वो थे कौन, उनको जागीर मिली थी। जागीरदारी क्या होती है मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनको जागीरदारी मिली थी, तो जागीर में से एक जागीर पूना की जो जागीर थी उन्होंने अपने बेटे जिनका नाम शिवाजी महाराज था उन्हें दे दी। शिवाजी महाराज को जागीर मिल गई पूना की उनके फादर से, और ईयर था 1637 का। एट द एज ऑफ 16, याद रखिएगा सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरना फोर्ट को कैप्चर कर लिया। तोरना फोर्ट को कैप्चर करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग फोर्ट्स को कैप्चर करना शुरू किया। यहाँ सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, शिवाजी महाराज के बारे में अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आप उन्हें पढ़ सकते हो डिटेल में। मैं यहाँ पे वही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अब यहाँ पे उनको जागीर मिली थी, उन्होंने तोरना फोर्ट को कैप्चर कर लिया। तोरना फोर्ट को कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने मराठा किंगडम को इंडिपेंडेंट कर दिया। उनकी जो मदर थी शिवाजी महाराज जिनका नाम था, जैसे कि हम सब जानते हैं उनका नाम, और आप उनका नाम बहुत अच्छे से गेस भी कर सकते हैं, उनका नाम था जीजा माता या जीजाबाई। जीजाबाई या जीजा माता जो थी उनका हमेशा एक सपना रहा कि उनके जो हस्बैंड है जिनका नाम शाहजी महाराज था वो किसी के अंडर ना काम करते एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की शुरुआत की जाए। शिवाजी महाराज ने ये सपना पूरा किया था, वो उनको ट्रेनिंग भी उनके मदर ने ही दी थी, जीजा माता ने। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने इस किंगडम को इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बनाया और उसका कैपिटल रखा था रायगढ़ में। रायगढ़ में बनाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे और भी एरिया जीतना शुरू रखा। उसके बाद उन्होंने जावली नाम का एक एरिया है वो चंद्रराव मोरे से जीता, और ईयर था 1656 का। धीरे धीरे एक बैटल लड़ा गया जो कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़ था। ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आप प्रतापगढ़ के बैटल या फिर आप अफजल खान के साथ जो शिवाजी महाराज का एक तरह से बैटल हम कहेंगे वो हुआ, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आदिल शाह के जनरल जिनका नाम था अफजल खान, वो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ वो संभालते थे, तो शिवाजी महाराज ने उन्हें मार के प्रतापगढ़ को जीता था। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के सामने बहुत बड़ी यानी हम फिजिकली देखें तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी दिखते थे अफजल खान, फिर भी शिवाजी महाराज ने अपने इंटेलिजेंस के साथ उन्हें मार गिराया। उनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें शिवाजी महाराज ने जिसको वाघनख कहते हैं उसका भी यूज किया था, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अफजल खान के को प्रतापगढ़ ये बैटल में हराया था, ये 1659 में हराया गया। धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने बैटल ऑफ पावनखिंड लड़ा,
बैटल ऑफ पवनखिंड 1660 में लड़ा गया था। छोटी सी मराठा फोर्स थी, मराठा फोर्स जो कि बहुत छोटी थी, जिसको लीड कर रहे थे बाजी प्रभु देशपांडे। उन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ी जो एनिमी ने घेर के रखा था मराठा आर्मी को, उनको मराठा आर्मी को एस्केप करने में हेल्प की थी शिवाजी महाराज के। और ये बाजी प्रभु देशपांडे की भी एक कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अकेले ने पूरा खिंड रोक के रखा था, पावन खिंड जिसे कहा जाता है, जैसे कि हम पासेस कहते हैं जो दो माउंटेन्स के बीच से गुजरते हैं। ये चीजें होने के बाद शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने शेस्ता खान को भेजा था, जो शेस्ता खान खुद औरंगजेब के कुछ रिलेटिव ही थे। शेस्ता खान को भेजा गया, शेस्ता खान ने शिवाजी महाराज को हराया। उसके बाद उन्होंने उनका जो लाल महल करके जगह है उसे कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद लाल महल को जीता शिवाजी महाराज ने, फिर से शेस्ता खान को हरा के। काफी इंटरेस्टिंग ये भी एक कहानी है जिसमें शिवाजी महाराज ने शेस्ता खान की उंगलियां काट दी और शिवाजी महाराज ने फिर से जो अपना जो किंगडम, हाँ, ये जो जीतने आए थे हम कहेंगे कि शेस्ता खान, उन्हें हरा दिया। और उसके बाद शेस्ता खान के आर्मी कैंप पुणे में हराया गया इन 1663 और उनके उंगलियां भी काट दी गई। तो ये शिवाजी महाराज के बारे में ये सब चीजें थी। अब मैं आपके साथ एक ट्रीटी डिस्कस करना चाहता हूँ जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब शिवाजी महाराज कंटिन्यूअसली अगर देखा गया तो बहुत सारे फोर्ट्स जीतते जा रहे थे। इस कारण जो मुगल थे उनको काफी प्रॉब्लम्स जा रहे थे। मुगल्स अपना एक्सपांशन एक तरह से नहीं देखा गया तो मराठा किंगडम की तरफ नहीं कर पा रहे थे। शिवाजी महाराज उनके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट बन चुके थे। शिवाजी महाराज का जो ब्रेवरी था वो कहीं ना कहीं रोक नहीं सक रहे थे, वो कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रही थी मुगल्स को कि वो उन्हें आगे बढ़ने दे। एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर की थी 1665 में, राजा जयसिंह करके जो है अंडर औरंगजेब, राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के पास भेजा और उनको कहा कि उनके साथ एक ट्रीटी की जाए। औरंगजेब को जब ये चीजें पता चलती है कि काफी सारे फोर्ट्स जो है वो शिवाजी महाराज जीतते जा रहे हैं, तो शिवाजी महाराज पे अटैक करना शुरू किया औरंगजेब ने, और अटैक के बाद एक ट्रीटी साइन करने के लिए जयसिंह को भेजा। शिवाजी महाराज ने जब देखा कि औरंगजेब काफी हम कहेंगे कि पावरफुली अटैक कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज ने भी अपना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का यूज किया एंड शिवाजी महाराज ने कुछ फोर्ट्स मुगल्स को दे दिए। और जैसे कि ट्रीटी में लिखा था कि वो औरंगजेब से मिलने आएंगे, तो औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंच गए। आगरा पहुंचने के बाद अगर देखा गया तो हम ये कहेंगे मुगल्स को भी उन्होंने हराया था बैटल ऑफ सालेर करके 1672 में। और उसके बाद अब यहां पे मैं आपको बता दूं, देखिए अब ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है आगरा वाली, औरंगजेब वाली। तो बैटल ऑफ सिलहार के पहले आपको, सलहर के पहले मैं आपको ये बता दूं कि औरंगजेब को मिलने जब शिवाजी महाराज पहुंचते हैं आगरा में, तो शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया। कैद कर लेने के बाद ये भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग कहानी पता चलती है, कैद करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं नजर कैद में जब रखा जाता है, तो शिवाजी महाराज अलोंग विथ हिज सन दैट इज संभाजी महाराज, उन दोनों को जब कैद किया जाता है, उसके बाद शिवाजी महाराज और संभाजी जो थे महाराज, उन दोनों ने एक फल की टोकरी से निकलते हुए आगरा से अपना एस्केप किया था। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फलों की टोकरियां भेजी जा रही थी शिवाजी महाराज के किंगडम में। शिवाजी महाराज रिक्वेस्टेड औरंगजेब कि फलों की टोकरियां भेजी जाए मेरी प्रजा के लिए, जो कि मेरे बिना कहीं ना कहीं किस हालत में मैं नहीं जानता। तो फलों की टोकरियां भेजना शुरू किया। धीरे धीरे जो चेकिंग थी फलों की टोकरी में सच में फल है या नहीं वो रुक गई, क्योंकि देखते आप पहले पहले स्टार्टिंग में काफी जोर से चेकिंग चलती किसी भी चीज की, धीरे धीरे सब चीजें डीम होने लगती है। और उसके बाद शिवाजी महाराज खुद और उनके बेटे संभाजी महाराज एक फल की टोकरी में बैठ गए और वो भी वहां से एस्केप हो गए। इस तरह से शिवाजी महाराज फिर से औरंगजेब के, अगर हम कहेंगे कि मुगल के हाथ से फिर से निकल चुके थे। और अगर देखा गया तो उन्होंने मुगल के साथ एक लड़ाई लड़ी जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सालहेर। बैटल ऑफ सालहेर जो कि 1672 में लड़ा गया था, 1672 में उन्होंने ये बैटल जीत के He was crowned and assumed the title Maharaja Chhatrapati in 1674 at Raigad Fort. उन्होंने छत्रपति अपना राज्य अभिषेक किया, coronation, after coronation he became छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस तरह से काफी सारी जो areas है territories वो जीतते जा रहे थे, expansion ज्यादा अच्छे से चल रहा था, but कहीं ना कहीं हालत या फिर उनकी जो भी एज थी उसके चलते शिवाजी महाराज died in 1680 at age of 50.
ना ड्यू टू इल हेल्थ उनकी डेथ हो जाती है। सो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तरह से मराठा किंगडम को एस्टेब्लिश किया था, काफी एक बड़ा रोल माना जाता है शिवाजी महाराज के। चलिए इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि उनकी जो टेरिटरी है वो तीन प्रोविंसेस में डिवाइड होती है, थ्री प्रोविंसेस। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रोविंसेस जो होते हैं उनको प्रांत में डिवाइड किया जाता है, और प्रांत जो होते हैं उनको हम यहां पे देख सकते हैं परगना या तरफ्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से डिवीजन था, याद रखिएगा तीन प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के नीचे प्रांत थे, और प्रांत के नीचे अगर हम कहेंगे तो परगना या तरफ्स थे। शिवाजी महाराज की जो आर्मी है और नेवी है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज देखने मिलती है। रेगुलर आर्मी जो है उसको पग कहा जाता था, है ना, तो ये सब चीजें हमें पता चलती है। और कुछ लूज ऑक्सिलरीज थे जिसको सिलहेदार कहा जाता है, है ना, और उनको सुपरवाइज, सिलेदार को सुपरवाइज करने के लिए हवलदार रहा करते थे। काफी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देखने मिलता है। सैलरी जो है वो कैश में पे की जाती थी, और कभी कभी हम ये भी कहेंगे कि कुछ रेवेन्यू ग्रांट्स दी जाती थी, जैसे कि हमने मुगल के वक्त भी देखा था, तो कभी कभी सैलरीज जो है वो कैश में दी जाएगी, तो कभी कभी रेवेन्यू ग्रांट्स, जो रेवेन्यू एक एरिया आपको दे देंगे और वहां का जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करके आपको वो सैलरी के तौर पे मिल जाएगा, जिसको सरंजम कहा जाता था। उसके साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहा करते थे, और ऐसे आठ मिनिस्टर रहा करते थे जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान मिलके उनका एक मंडल बनता था, यानी काउंसिल बनता था, और आठ मिनिस्टर का काउंसिल यानी अष्ट प्रधान मंडल ये कहलाता था। हर मिनिस्टर डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल था टू शिवाजी महाराज, है ना, और किसी की भी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां देखने नहीं मिलती है। सब लोग उनको जो जो काम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सब अपना काम करते थे, एंड दे वर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में देखने के बाद मैं आपको अष्ट प्रधान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आठ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, आठ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उसमें सबसे पहले जो नाम आते हैं वो है पेशवा। पेशवा जो है वो मुख्य प्रधान रहा करते थे। पेशवा ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पोस्ट थी। उनके पास जो भी डिपार्टमेंट्स थे वो फाइनेंस था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था, और धीरे धीरे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, पेशवा ये प्रधानमंत्री धीरे धीरे बनने लगे। उसके बाद अगर आते हैं सेकेंड अष्ट प्रधान में से सेकेंड मिनिस्टर, तो वो आते हैं सेनापति। सेनापति जो उन्हें सरे नौबत कहा जाता है, एंड ही उनके पास जो भी डिपार्टमेंट दिया था, सो ही वॉज रेस्पॉन्सिबल, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री डिपार्टमेंट, सो ही एक्ट एज अ मिलिट्री कमांडर, सेना के पति, सेनापति मीन्स मिलिट्री कमांडर। नेक्स्ट पोस्ट इज मुजुमदार। मुजुमदार जो थे उन्हें अमात्य भी कहा जाता है, और मुजुमदार जो देखते थे वो अकाउंटेंट जनरल थे, वो अकाउंट देखा करते थे। उसके अलावा वाकनविस जो है वो मंत्री भी कहा जाता है। वाकनविस जो है वो इंटेलिजेंस पोस्ट हाउस होल्ड अफेयर्स की तरफ ज्यादातर ध्यान देते थे। सचिव जो होते हैं, है ना, सचिव जो होते हैं वो करस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री देखते थे ना, तो सब चीजें मिलके वो चीजें कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज को असिस्ट करने का काम करते थे। उन्हें सुरनविस भी कहा जाता था। उसके बाद सचिव, यानी आप जानती हो कि जिस तरह से आपके सेक्रेटरी होते हैं उस तरह से सचिव थे, करस्पॉन्डेंस। उसके बाद डबीर रहा करते थे, उनको सुमन भी कहा जाता था। डबीर जो है ये फॉरेन मिनिस्ट्री देखा करते थे, एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। जो भी सेरेमनीज चलती थी, रॉयल सेरेमनीज, वो सबके मास्टर हुआ करते थे जो डबीर थे वो। उसके साथ साथ न्यायाधीश, न्यायाधीश तो आज भी होते हैं, न्यायाधीश मीन्स जज, जस्टिस, फॉर जस्टिस न्यायाधीश वॉज, न्यायाधीश वर देयर। सो ये अष्ट प्रधान मंडल में से आ जाते हैं न्यायाधीश। और सबसे आखिरी एट जो हम कहते हैं अष्ट प्रधान में से आठवें मंत्री, वो होते हैं पंडित राव, दैट इज सदर, जो कि हाई प्रिस्ट थे, है ना। प्रिस्ट के साथ साथ इंटरनल रिलीजियस मैटर्स जो है वो संभालने में कहीं ना कहीं हेल्प करते थे। इस तरह से आठ अष्ट प्रधान मंडल में हमने मिनिस्टर्स यहाँ पे स्टडी किए। तो उसके बाद अष्ट प्रधान मंडल के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको कहा बता दूं कि रेवेन्यू किस तरह से था शिवाजी महाराज का। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू सिस्टम जो है शिवाजी महाराज का वो कहीं ना कहीं मलिक अंबर जो है अहमदनगर के उनकी तरह ही था। मलिक अंबर अहमदनगर के जो थे उसी तरह रेवेन्यू सिस्टम बनाया था। लैंड जो हुआ करती थी उसे मेजर किया करते थे, उसके लिए काठी रहा करती थी, लकड़ी की तरह, उसे काठी कहते हैं। काठी से लैंड को मेजर किया जाता था। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चौथ, अगर मैं यहाँ लैंड रेवेन्यू की बात करूं तो चौथ था, चौथ यानी वन
फोर्थ, चार चौथ यानी चार, तो 1/4 लैंड रेवेन्यू यहां से कहीं ना कहीं पे करना पड़ता था जो मराठा है उनको, अदरवाइज मराठा आपके टेरिटरी में रेड कर सकते थे। मराठा देखिए, पहले रेड का सिस्टम तो बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल था, जनरल था, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक किंगडम वाले दूसरे किंगडम पे रेड करके कुछ चीजें लूट के लाते थे। तो अगर आप मराठा से बचना चाहते तो मराठा को आपको चौथ देना पड़ेगा, 1/4 जितना रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक कोई एबीसी नाम का किंगडम है, उसके बाजू में मराठा है, तो ये एबीसी नाम के किंगडम को, मराठा को जितना भी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है एबीसी, उसमें से मराठा को 1/4 रेवेन्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज मराठा विल रेड योर टेरिटरी। सो टू अवॉइड द मराठा रेड ना, यू हैव टू पे द चौथ। उसके साथ साथ सर देशमुखी जो था ये एडिशनल 10% था, दैट इज 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू। तो ये उस लैंड पे हुआ करता था। देखिए कुछ लैंड ऐसी थी जो मराठा क्लेम करते थे कि ये हमारी हेरिडिटरी लैंड है, हेरिडिटरी लैंड अगर वो कह रहे हैं तो उसपे वो कहते थे कि हमारा राइट है इस पे। ठीक है, हमारा राइट है, हमारी हेरिडिटरी लैंड है, फिर भी कोई और किंग अगर उसे कैप्चर करके रखा हुआ है, कॉन्कर करके रखा हुआ है, तो आप हमें पे कीजिए, आप हमें 1/10 आप जितना भी लैंड रेवेन्यू उस लैंड से कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें पे करते चलिए। तो इस तरह से आप और हम सब रह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि देशमुख और कुलकर्णी लोग थे कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिलेटेड पहले, शिवाजी महाराज के पहले, उनकी पूरी पावर जो एग्जिस्टिंग पावर उसको रिड्यूस किया था शिवाजी महाराज ने रेवेन्यू में, उसके साथ साथ खुद के कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी रखे गए थे, अपॉइंट किए थे शिवाजी महाराज ने, जिनको कारकुन कहा जाता है। तो कारकुन और ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। ये था रेवेन्यू के बारे में जो कि शिवाजी महाराज का हमें देखने मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, अष्टप्रधान देख लिया, ये सब चीजें हम यहाँ पे देख ले। तो शिवाजी महाराज के बारे में हम चीजें पढ़ चुके, अब हम चलिए संभाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। संभाजी महाराज का जो भी एक सिस्टम है उस पर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संभाजी महाराज जो थे ये 1680 से 1689 तक रहे। 1680 में आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी महाराज संभाजी महाराज आते हैं। संभाजी महाराज वॉज द सन ऑफ शिवाजी महाराज, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। एंड एज पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की जो ट्रीटी आई थी है ना, उनको मनसबदार भी बनाया गया था मुगल का है ना। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में काफी सारी चीजें लिखी गई थी, जिसमें ये भी कहा था कि मेरे जो बेटे हैं वो मनसबदार बनेंगे मुगल के। अब मनसबदारी क्या होती है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अगर जिन्होंने नहीं भी देखे होंगे लेक्चर वो देख सकते हैं पुराने लेक्चर्स मेरे, जिसमें मनसबदारी सिस्टम भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि हिज रूल वॉज लार्जली शेप्ड बाय ऑनगोइंग वॉर्स बिटवीन मराठा किंगडम एंड मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर और मराठा किंगडम के बीच में जो वॉर्स चलते थे आए दिन, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो किंगडम था वो काफी एंगेज रहा संभाजी महाराज के बाद। इन 1687 एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाई, ही डिफीटेड मुगल फोर्सेस। संभाजी महाराज डिफीटेड द मुगल फोर्सेस इन 1687 इन बैटल ऑफ वाई, बट इन 1689 संभाजी वॉज कैप्चर्ड, टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय मुगल्स। संभाजी महाराज को यहाँ पे कैप्चर कर दिया गया, टॉर्चर कर लिया गया और उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया बाय मुगल्स। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर राजाराम फर्स्ट। एक देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फैमिली ट्री बताता हूँ जो हमें शुरू करना है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जो थे, शिवाजी महाराज के दो बेटे, एक बेटे का नाम था संभाजी महाराज, एक का नाम था राजाराम महाराज। राजाराम फर्स्ट एंड संभाजी, ये दो एक फैमिली ट्री में आते हैं। उसके बाद संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति शाहू और राजाराम फर्स्ट की वाइफ जो थी उनका नाम अगर हम देखें तो, देखिए ये सब नाम आप अच्छे से जानते भी है क्योंकि इनके बीच में वॉर भी हुए। तो संभाजी महाराज और दूसरी है ताराबाई। तो राजाराम फर्स्ट की वाइफ जो थी वो ताराबाई, राजाराम फर्स्ट ताराबाई और उनका बेटा शिवाजी सेकेंड। तो ये होते हैं है ना, तो शिवाजी और ये सब हमें देखने मिलते हैं। बट जब संभाजी महाराज की डेथ हो जाती है उसके बाद राजाराम फर्स्ट जो थे ही वॉज द सक्सेसर, ही बिकेम द सक्सेसर ऑफ मराठा किंगडम। सो राजाराम का उतना ज्यादा हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजाराम फर्स्ट जो थे उनको कहीं ना कहीं मुगल्स ने कैद कर लिया था, उनको भी धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर दिया गया। बट शाहू महाराज जो है, शाहू छत्रपति शाहू, उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना होता है। जैसे मैंने आपको कहा संभाजी जो थे उनके बेटे शाहू, शाहू की बात करें तो जैसे कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं ये चीज है कि शाहू और ताराबाई इनके बीच में एक बैटल भी लड़ा गया था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वो कौन सा बैटल है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो अभी फिर से मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। एक बैटल हुआ था दोनों के बीच में और इस बैटल में शाहू जीते थे और शाहू बिकेम द छत्रपति। तो अगर हम कहेंगे राजाराम फर्स्ट के बाद ताराबाई ने कुछ टाइम संभालने की कोशिश की एज अ रीजेंट ऑफ दैट शिवाजी सेकेंड,
और सन शिवाजी सेकेंड। बट अगर देखा गया तो शिवाजी सेकेंड माइनर थे, ताराबाई उनके तरफ से रिजेंट करके संभाल रही थी, और शाहू और ताराबाई के बीच में एक बैटल हुआ जिसमें शाहू ये सक्सेसफुली जीत जाते हैं, एंड शाहू बिकेम द नेक्स्ट छत्रपति इन 1707। शाहू बिकेम छत्रपति इन टिल 1749। शाहूज रीन सॉ द राइज ऑफ पेशवा। पेशवा एक अष्टप्रधान में की पोस्ट थी जिसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा मिला, वो बढ़ावा मिला था हम कहेंगे शाहू से, शाहू के वक्त। शाहू के वक्त ये बहुत ही बड़ा एक पोस्ट बन चुकी थी, एंड बाय द टाइम ऑफ राजाराम सेकेंड द पावर ऑफ छत्रपति वॉज ऑलमोस्ट ओवरशैडोड बाय दैट ऑफ पेशवा, है ना। तो पेशवा जो थे, अगर हम कहें कि राजाराम फर्स्ट तो ठीक है, बट धीरे धीरे जब रूल चलते गया शाहू के बाद राजाराम सेकेंड आने लगे, राजाराम सेकेंड के वक्त तक तो पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे पता चलने लगी, है ना। तो पेशवा ये राजाराम सेकंड के वक्त बहुत बड़ी पोस्ट बन चुकी थी, इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी शाहू महाराज ने, छत्रपति शाहू ने। तो ये चीजें हमें पता चलती है। छत्रपति शाहू के बाद जो आता है वो अब हमें यहां तक देखना है कि शाहू के बाद कहीं ना कहीं मराठा कॉन्फेडरेसी की शुरुआत होती है। मराठा किंगडम को हम यहां तक पढ़ते हैं, बाद में हम चलिए मराठा कॉन्फेडरेसी में जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ने से पहले एक पेशवा को हमें पढ़ना होता है जिनका नाम था बाळाजी विश्वनाथ। बाळाजी विश्वनाथ ये 1713 से 1818 तक रहे, पहले पेशवा रहे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेशवा की, तो पेशवा ये 1713 से 1818 तक चला। बट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो बाळाजी विश्वनाथ थे वो पहले पेशवा करके काम करते थे अंडर शाहू। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सेना करते, क्योंकि काफी अच्छे से उनका परफॉर्मेंस रहा तो इसके चलते उन्हें एक सेना करते करके टाइटल भी दिया गया 1708 में, शाहू महाराज ने खुद ये टाइटल दिया था। देन ही बिकेम अ पेशवा इन 1713। धीरे धीरे प्रमोशन के साथ बाळाजी विश्वनाथ पेशवा बन गया, ही मेड द पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल एक पोस्ट बन गई थी ये पेशवा, और ये हेरिडिटरी भी पोस्ट बना दी गई। तो बाळाजी विश्वनाथ की एंट्री और पेशवा पोस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल पोस्ट बनने लगी। तो चलिए बाळाजी विश्वनाथ के बाद अब हम मराठा कॉन्फेडरेसी में एंटर कर लेते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी की। अगर मैं मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में कहूं तो मराठा कॉन्फेडरेसी की शुरुआत 1720 से जनरली होती है। अगर बाळाजी विश्वनाथ की बात करें या फिर हम शिवाजी महाराज के वक्त की अष्टप्रधान की भी बात करें तो हमें ये पता चलता है कि पेशवा नाम की पोस्ट तो थी बट उतनी पावरफुल नहीं थी। इसको पावर जो मिला वो 1720 से मिला और 1818 तक ये रहा। बाजीराव फर्स्ट यहां पे आते हैं। बाळाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट बिकेम, ही सक्सीडेड बाळाजी विश्वनाथ, ही वॉज द सन ऑफ बाळाजी विश्वनाथ। तो बाजीराव जो थे वो कहीं ना कहीं पेशवा बन जाते हैं, एंड मराठा पावर जो है ये सबसे पावरफुल दिखी बाळाजी विश्वनाथ ये पेशवा के अंडर। बहुत बड़ा एक्सपांशन मराठा पावर का जो एक्सपांशन यहाँ पे था वो इतना बड़ा था कि हम ये और इतना पावरफुल दिख रहा था मराठा किंगडम कि उतना कभी भी नहीं दिखा, किसी भी पेशवा के वक्त नहीं दिखा। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं ऑफ गोरिला टैक्टिक्स यूज करते थे। गोरिला टैक्टिक्स यानी चुपचाप से जाके एक जो अपना एनिमी होता है उसे वॉर करके हरा देना, इसे गोरिला टैक्टिक्स कहते हैं। और गोरिला टैक्टिक्स शिवाजी महाराज यूज करते थे, उसके बाद गोरिला टैक्टिक्स का यूज जो किया था वो बाळाजी विश्वनाथ ने नहीं तो उनके बेटे जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट, उन्होंने किया था। उसके बाद यहां पे कॉन्फेडरेसी वाला सिस्टम आ जाता है, और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पेशवा ही अथॉरिटी बन चुकी थी जो कि रूल कर रहा था डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जो रूल करते थे वो थे छत्रपति शाहू। छत्रपति शाहू के अंडर बाजीराव फर्स्ट जो थे ये डायरेक्टली रियल रूलर देखने मिले, जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक डीफैक्ट होते हैं, एक डीजोर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हम डीजोर कहते हैं, बाय लॉ वो रूलर है, बट अगर हम देखेंगे रियल रूलर जो इनफैक्ट वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह पेशवा और हम कहेंगे कि छत्रपति ये पोस्ट थी। ही कैप्चर्ड सालसेट और बैसी, ये जो है सालसेट साष्टी भी कहा जाता है, सालसेट और बैसी जो है पोर्तुगीज से उन्होंने जीता था। पोर्तुगीज के साथ जो वॉर लड़ा था बाजीराव फर्स्ट ने वो था बैटल ऑफ वसई। बैटल ऑफ वसई जो है वो 1733 में लड़ा गया, और इसके साथ साथ सालसेट बसी ये इस तरह के एरियाज भी हम कहेंगे मराठा के पास आ गए। ही डिफीटेड निजामुल मुल्क इन 1737 एंड कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ दुराईसराय। तो दुराईसराय की ट्रीटी हुई थी जब उन्होंने निजामुल मुल्क को, एंड हिज सेवरल एक्सपेडिशंस इन नॉर्थ
वो नॉर्थ में भी जाके अटैक कर रहे थे, वो वीक कर रही थी मुगल को और मराठा को सुप्रीम पावर बनाते जा रही थी इंडिया में. He said about मुगल, देखिए उन्होंने क्या कहा, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विथरिंग ट्री, जो ट्री है उसके जड़ पे वॉर करो, और जो जड़ होती है तो ब्रांचेस अपने आप गिर जाएंगे, द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स, जड़ पे वॉर करोगे, और जड़ जो है ये दिल्ली में बैठी है. तो इस तरह से बाजीराव फर्स्ट जो थे उन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे देखी और काफी उन्होंने इनको बढ़ाने की भी कोशिश की. अब मराठा की बात करें तो मराठा जो है वो अलग अलग तरह, अलग अलग जो रूलर्स थे मराठा के, वो अलग अलग जगह पे सेटल होने लगे. तो इसमें सिंधिया जो थे ये ग्वालियर में आ गए, होड़कर जो है वो इंदौर के आ गए, पवार जो है ये धार के आ गए, धार रीजन जो है, उसके अलावा गायकवाड़ जो है वडोदरा या बड़ौदा जिसे कहते हैं वहां के गुजरात में, भोसले जो है वो नागपुर के थे जो कि आज महाराष्ट्र में था, उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस में आया करता था, पेशवा जो थे ये पूना के हो गए. इस तरह से ये जो किंगडम्स थे मराठा के ये बढ़ गए और इनके कुछ टेरिटरीज हमें यहाँ पता चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको मैच द पेयर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उसके बाद हमें जो पेशवा को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पेशवा उन्हीं को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट पेशवाज नहीं है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ स्टडी कर रहे हैं. बालाजी बाजी राव फर्स्ट जो है या नाना साहेब फर्स्ट है वो 1740 से 1761 तक जिन्होंने रूल किया. इनकी अगर बात, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं आपके साथ ऑलरेडी मॉडर्न इंडिया में एंग्लो मराठा वॉर डिस्कस कर चुका हूं, इसमें मैं काफी सारे आपको ये फैमिली पेशवा के जो सक्सेशन से उसके बारे में भी आपको बता चुका हूं. बालाजी बाजीराव फर्स्ट जो थे या नाना साहेब फर्स्ट भी जिन्हें कहा जाता है, ही डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान. अलीवर्दी खान के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथ, आप जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, ये जिस तरह के आप टॉपिक्स जब मेरे साथ पढ़ रहे थे उसी टाइम में हमने ये देखा था. तो अलीवर्दी खान जो थे जो कि नवाब हुआ करते थे बंगाल का, उनको 1751 में बाजीराव फर्स्ट या नाना साहेब फर्स्ट ने हरा दिया. एंड 1/3 ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो उनके टाइम पे मराठा के अंडर आ चुका था. ही साइंड द एग्रीमेंट विद अहमद शाह. अहमद शाह कौन थे? अहमद शाह मुगल एम्परर थे, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसमें ये कहा था कि पेशवा जो है ही एश्योर्ड टू प्रोटेक्ट मुगल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज. हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से, जो बाहर से आ रहे इंडिया के उनसे भी, और जो इंडिया के इंडिया में उनसे भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट इसके बदले आप हमें चौथ देंगे. चौथ आपको पता है 1/4 रेवेन्यू देना पड़ता है. चौथ देंगे कहां का? तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का चौथ हमें मिलना चाहिए और आगरा का जितना भी रेवेन्यू पूरा हमें मिलना चाहिए, और अजमेर का भी. अजमेर और आगरा में जितना भी आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो पूरा हमें दे दीजिए, और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है सॉरी, वहां का चौथ हमें दिया जाए. इसके बदले हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि मुगल्स जानते थे कि मराठा ये बहुत बड़ा पावर बन चुका है तो उन्हें ये देना भी पड़ेगा. सो ही डिफीट एट द बैटल ऑफ, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे उनकी यहाँ पे हार हुई, डिफीट एक मराठा की हार हुई. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1761 में अहमद शाह दुरानी के साथ. मैं आपके साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसमें आपने देखा कि अहमद शाह दुरानी जो थे उनके साथ ये जो वॉर लड़ा गया इसमें कहीं ना कहीं मराठा की हार हुई, और उसके बाद मराठा का एक्सपेंशन जो है कुछ टाइम के लिए रुक गया. उसके बाद जो बाजीराव फर्स्ट और उनके बेटे विश्वास राव, ये बैटल ऑफ पानीपत में उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद सक्सेसर जो बनते हैं वो माधवराव जो होते हैं वो बनते हैं, है ना, जिनको सवाई माधवराव भी कहा जाता है. फिर माधवराव आते हैं, माधवराव के बाद नारायण राव आते हैं, उसके बाद सवाई माधवराव आते हैं, उसके बाद बाजीराव सेकेंड आते हैं. इस तरह से मराठा के कुछ कुछ सक्सेसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी चीज़ें तो हमने बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स में पढ़ी हुई है. जितनी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम एंड देख लेते हैं मराठा किंगडम का किस तरह से. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था जो कि आपको पता है वहां से मराठा एम्पायर का कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एंड होने लगा. जितने भी मराठा पावर से वो ब्रिटिश के हाथों सरेंडर कर दिए गए. द पेशवा जो है इवेंचुअली कैप्चर कर दिए गए और बिठूर के पास उन्हें भेज दिया गया, कानपुर के पास बिठूर नाम की जगह वहां भेज दिया जाता है. पेशवा जो पोस्ट है इसे कहीं ना कहीं हम कहेंगे एबॉलिश कर दिया गया, पेशवा पोस्ट नहीं रही. उसके साथ साथ सातारा के जो महाराज थे उनको फर्स्ट रूलर बनाया गया उनके टेरिटरी के, सातारा को प्रिंसली स्टेट बना दिया गया, और काफी सारी जो टेरिटरीज थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठा की डाल दी गई. इन 1848 हम ये कह सकते हैं कि ये टेरिटरी जो एनेक्स की थी उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते
लॉर्ड डलहौसी ने फिर से अपने अंडर ले लिया था। इस तरह से मराठा एम्पायर के बारे में कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं। बट मराठा एम्पायर इतना ही नहीं, तो जो चीजें मैंने आपके साथ एंग्लो मराठा वॉर में डिस्कस की वो मिलके ये पूरा मराठा का टॉपिक बनता है। तो ये मराठा का एक टॉपिक था, जैसे कि हम मिसलेनियस टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे और भी हम अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कशन करते रहेंगे, फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, काफी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। सो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।